इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू इंतहाई संजीदा। क्या इस मुल्क का यानी कि लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का जो चौथा सुतून है, क्या वो आज महफूज है? और मौजूदा हुकूमत, जो मोदी हुकूमत है, मोदी इख्तदार पजीर जिस कदर हुकूमत जो मनमानी फैसले ले रही है और जिस कदर हर उठती हुई आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, किस हद तक ये जो है होता रहेगा? कितना कथनी और करनी में फ़र्क है, इसका महज अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है और यह मामला पूरे देश में महसूस किया जा सकता है। और जब से भाजपा या यूं कहिए कि मोदी हुकूमत आई है, इंतहा कही जाए तो गलत ना होगा। खासकर अगर मीडिया की बात कही जाए तो PMO ट्वीट कर कहता है कि सरकार की आलोचना यानी मजम्मत होती रहनी चाहिए क्योंकि आलोचनाओं से डेमोक्रेसी मजबूत होती है। लेकिन जब अपने जमहूरी दायरे में रहते हुए और अपने हक का इस्तेमाल कर हर कोई शहरी हुकूमत की मजम्मत कर रहा हो, सवाल कर रहा है या अपने ख्यालात का इजहार करता है तो उसे जेल या नौकरी से निकाल दिया जाता है। वैसे तो महज मोदी सरकार में ही यह हो रहा है, ऐसा नहीं, पर अगर मोदी सरकार में यह मामला इंतहा को पहुंचा हुआ है कहेंगे तो गलत ना होगा। मीडिया को मुल्क का यानी कि इस डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है, वह देश के लोकतंत्र को संभाले हुए है। लेकिन क्या चौथा पिलर भी टुकड़ों में बट गया है? ये देखने के लिए आपको नरेंद्र मोदी के 7 साल के दौर का जायजा लेना जरूरी होगा कि जमहूरियत के इस सुतून को कैसे काटने की कोशिश की गई और उस पिलर को गिराने दबाने की कोशिश में सरकार के साथ साथ कुछ मीडिया चैनल भी शरीक हो गए। कई वाकये इससे पहले भी हुए हैं, पर हाल ही में आज तक के सहाफी श्याम मीरा सिंह ने जो ट्वीट किया था कि यहाँ ट्विटर पर कुछ लिखता हूँ तो, यानी कि जो ट्वीट में लिखा है उन्होंने, यहाँ ट्विटर पर कुछ लिखता हूँ तो कुछ लोग मेरी कंपनी को टैग करने लगते हैं, कहते हैं इसे हटाओ, इसे हटाते क्यों नहीं, मैं अगला ट्वीट और ज़्यादा दम लगा कर लिखता हूँ पर इसे लिखने से पीछे नहीं हटूंगा कि मोदी इज शेमलेस प्राइम मिनिस्टर। बस इतना लिखना था कि आज तक चैनल ने श्याम मीरा द्वारा ईमानदारी से की जा रही पत्रकारिता यानी सहाफत को दरकिनार करते हुए बर्खास्त कर दिया। शाम तो बर्खास्त हो गए लेकिन उनकी सहाफत ने दम भरा और ईमानदारी साबित कर गए। बर्खास्त होने के बाद भी श्याम मीरा सिंह ने कहा कि लोग अपने डिग्री शोध पत्र उनके आदर्शों को समर्पित करते हैं, मेरे पास अपनी कंपनी इंडिया टुडे का एक टर्मिनेशन लेटर दिखाने के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपना टर्मिनेशन लेटर अपने प्यारे दोस्त दानिश सिद्दीकी को समर्पित करना चाहता हूँ जो अफगानिस्तान में शहीद हुए थे। मैंने उन बुजुर्गों की बात कही जिन्होंने अपने जवान बेटों को खोया, जिन्होंने अपनी माओं को खोया, उन पर ट्विटर नहीं है। मैं गांव से शहर आया, यहाँ के यूनिवर्सिटीज में पढ़ा, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि निर्दोष मासूमों की जान लेने वाले सिस्टम के छाती पर बैठ के उस आदमी को बेशर्म कहूं। मेरी मकान मालकिन जो खास तौर से भाजपा हिमायती थी, उन्होंने कोविड में अपने भाई को खो दिया था, उन्हें पता चला कि PM मोदी को शेमलेस कहने के कारण मुझे आज तक चैनल से निकाल दिया गया। जिस पर उन्होंने मेरे दोस्त से कहा, सही कहा श्याम ने, मोदी शेमलेस है। श्याम मीरा की बर्खास्तगी पर बुजुर्ग सहाफी राणा युग ने कहा कि इंडिया टुडे मी टू के इल्जामों पर एक सहाफी को नहीं निकालता, यह बेहुदा जबान इस्तेमाल कर सहाफियों में आग नहीं लगाता है, लेकिन एक सहाफी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 ट्वीट करने के लिए निकाल दिया जाता है। फ्रीलांस सहाफी गुरप्रीत वालिया बोले कि सहाफत अपनी निजी राय ट्विटर या किसी सोशल मीडिया पर नहीं रख सकते, सिर्फ चैनल का कंटेंट शेयर करेंगे, तकरीबन हर चैनल की हिदायत है पत्रकारों को, यह हिदायत किसके कहने पर है आप सभी जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का मशकूर उस्मानी ने कहा कि 18 अप्रैल 2018 को PMO ने अपने ट्विटर पर लिखा, मैं चाहता हूं कि सरकार की मजम्मत होनी चाहिए, यानी कि आलोचना लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। वह जो बताना भूल गए वह यह था कि आलोचना यानी हुकूमत की मजम्मत आपको बेरोजगार भी कर देगी। पूरे इंसाफ में उन्हें पूरा डिस्क्लेमर लगाना चाहिए था, यानी जिस कदर कहने में और करने में पूरा अलग अलग तरह का रवैया अख्तियार किया जाता है, हर रोज कुछ ना कुछ बयान दिए जाते हैं जिसका जमीनी हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। खैर, सही सहाफत यकीनन मोदी हुकूमत में जुर्म साबित होती जा रही है। बेलगाम जैसे छोटे शहर में भी इसका एहसास हमें शिद्दत से हो रहा है, कैसे किसी हुकूमत के इशारों पर हिरासा किया जाता है। इससे भी बढ़कर यह है कि अकलियती माशरे में इसका एहसास भी नहीं है। अगर किसी से इंतजामिया की जानिब से बेवजह हिरासा की बात कही जाए तो जवाब मिलता है कि तुम्हें हुकूमत के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है,
इत्तेहाद मीडिया के साथ भी सौतेला सुलूक करने की कोशिश की जा रही है, बार बार डराया जाता है। बड़े ओहदे पर बैठे अफसरान हमारे रिपोर्टरों से अलग रवैया इख्तियार करते रहते हैं, जबकि हमें मालूम है कि हम मुल्क के संविधान आइन के दायरे में सच्चाई को मंजरे आम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन कुछ गोदी मीडिया वालों ने अफसरान के सामने फरियाद दर्ज की है, पर सही हकीकत को समझकर इंसाफ से काम करने की हम गुजारिश करते हैं। ना के इख्तदार पजीर हुकूमत के इशारे पर संविधान जमहूरियत के चौथे सुतून को महज इसलिए दबाने की कोशिश ना करे कि मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे। दरअसल मीडिया का किरदार ही होता है कि वो सत्ता से सवाल किया जाए, और सत्ता से सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जुल्म की हुकूमत को समझना चाहिए कि आवाजें कभी दबाई नहीं जा सकती, और सच की आवाज तो अर्श तक पहुंच कर ही रहती है। शाम मीरा की बर्खास्तगी ने हम जैसे छोटे साफियों को हिम्मत बख्शी है, और आजमाइश तो मुखालिफ सिमत में चलने से ही आती है। पत्रकारिता में उन लोगों को ही याद किया जाएगा जिन्होंने वक्त के फिरौनियों के खिलाफ आवाज बुलंद की, ना कि उन लोगों को याद किया जाएगा जिन्होंने पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता की। वो तलवे चाटने वाले हमेशा गुलामी की तारीख ही रकम करते हैं, जिन्हें कभी तारीख माफ नहीं किया करती। पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, रविश कुमार और अब चाम मीरा की फहरिस्त को और भी तवील होना चाहिए, इसलिए कि आवाजें उठेंगी तभी तो किसी तानाशाह हुकूमत को खत्म होता देख सकते हैं, और आवाजें बुलंद होना ही मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।